मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, जो हम टॉपिक चल रहा था आपका, उसको कंटिन्यू करते हैं। दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मैंने क्या बताए थे आपको, कुछ रूल्स, कुछ सर्टेन गाइडलाइन जो आप अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करोगे, वही हमारे क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई करा है। एक तो है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन, या फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन। आपको जो अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन गिवन है, वो आपको टोटल 11 अजम्पशन गिवन है, और जो कन्वेंशन गिवन है वो टोटल 3 कन्वेंशन गिवन है। अजम्पशन या फिर कंसेप्ट से मतलब क्या है कि कुछ धारणाएं, कुछ ऐसी रूल्स बनाए गए हैं जो मान के चलते हैं कि हम होगा बिजनेस में, है ना, अकाउंटिंग करते वक्त एक ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसे अजम्पशन कहते हैं, अज्यूम कर लो। तो वो कुछ कंसेप्ट, कुछ अजम्पशन जो हमारी बनाई गई है, वो देखो पहली अजम्पशन कौन सी है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग से मतलब क्या है, देखो आप समझो गोइंग क्या है कि जो चलता रहे। तो गोइंग कंसेप्ट कंसर्न से मतलब क्या है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, आप सपोज करिए कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करते हैं, है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई मशीन बेच रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, तो सारी ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने की जरूरत होती क्यों है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। बात समझ में आई, बिजनेस में इतनी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब हम ये मान के चलते हैं दैट इट इज अज्यूम्ड बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये मान के चलते हैं कि जो आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस आज सेटअप किया अपना 2020 में, तो ये नहीं कि बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक हमारा कंटिन्यू करेगा। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दैट इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड बिजनेस विल नॉट स्टॉप। बिजनेस चलता रहेगा, हमारा बिजनेस रन करता रहेगा, बिजनेस खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। ये हम मान के चलते हैं, ये हमारी अजम्पशन, ये हमारा कंसेप्ट है पहला। अब देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ऐसा करने की जरूरत हमें पड़ती क्यों है ना, कि सपोज करिए कि आप कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स बताया ना आपको मैंने, अगर एग्जांपल आप याद हो, बिल्डिंग, मशीन, लैंड, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो जो हमने एसेट्स खरीदे हैं वो हम क्या मान के चलेंगे, आज ही खत्म हो जाएंगे, लंबे पीरियड तक चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कार खरीदो कोई, तो कार ये थोड़े मान के चलते हो कि आप एक साल में बेच रहे हैं कार, तो लंबे पीरियड तक चलेगी। कोई मशीन खरीदो, कोई जमीन खरीदो, कोई प्लॉट खरीदो, लंबे पीरियड तक चलेगा। तो सेम हमारा बिजनेस में, अगर तुम कोई एसेट्स खरीदे तो ये मान के चलते हैं दैट इट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड। बात समझ में आई, तो इसलिए हमारा गोइंग कंसेप्ट कंसेप्ट इस पर अप्लाई था। दूसरा आपको पता है, देखो बिल्डिंग, मशीन या फिर लैंड, आपने मशीन खरीदी या फिर कार खरीदी, आपने कार 1 लाख की खरीदी, समझने से बात, क्या 1 लाख की कार की वैल्यू आज 1 लाख है, अगले साल भी 1 लाख होगी? सपोज करो आप कोई फोन लो, या कार की, हमें कार के एग्जांपल, आपका फोन का एग्जांपल लेते हैं, आप फोन लिया आपने 10,000 का, क्या 1 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 ही है, कम नहीं हो जाएगी उसकी वैल्यू? सेम इस तरह कार की वैल्यू है, कार है आपकी, कार आपने खरीदी, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी? तो वो कम क्यों होती है वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू पे लगता है डेप्रिसिएशन। क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। बात समझे ना, कोई भी एसेट्स है उसकी एसेट्स की वैल्यू ईयर बाय ईयर कम होती रहती है। क्यों कम होती रहती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, डेट। तो ये भी किसका कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का, कि आप किसी भी एसेट्स की वैल्यू पर डेट लगेगा, और डेट आप एक साल नहीं चार्ज करते, डेट आप उसकी एसेट्स की पूरी लाइफ पे चार्ज करते। हम ये मान के चलते हैं कि एसेट्स लंबे समय तक चलेगा, तो उसका जो कॉस्ट है, उसका डेट है, वो भी हम लंबे समय तक लगाएंगे। बात समझ में आई। दूसरा आपको मैंने बताया था जो एसेट्स हैं, एक याद रखना, एसेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका करंट एसेट्स, एक आपको होता है नॉन करंट एसेट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, फर्स्ट इज करंट एसेट्स, सेकंड इज करंट नॉन करंट एसेट्स। सेम इज तरह लाइबिलिटी, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसमें फर्क क्या है, देखो एसेट्स दो टाइप के, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटी दो टाइप के हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि जो एसेट्स आपकी मान के चलते जो एक ईयर तक बेनिफिट देंगे, कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं ना जो हम जल्दी यूज कर लेते हैं, है ना, तो जो एसेट्स हमारे 1 साल तक चलेंगे या 1 साल तक बेनिफिट देंगे वो तो करंट एसेट्स हैं, और जो मोर देन 1 ईयर चलेंगे
वो हमारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स, मतलब जो एसेट्स हमारे कंटिन्यू करेंगे एक साल तक वो तो होते हैं करंट एसेट्स, और जो एसेट्स हमारे कंटिन्यू करेंगे एक साल से ज्यादा तक तो कौन से करंट एसेट्स बन जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स। सेम लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी हमें पे करनी है, लाइबिलिटी होती है जो हमें अमाउंट फ्यूचर में पे करना है, जो लाइबिलिटी में पे करनी है एक साल के अंदर वो तो करंट लाइबिलिटी है, और जो लाइबिलिटी हमें पे करनी है एक साल के बाद वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से उधार लिया और मैंने उधार लिया है कि मैं आपको एक महीने में दे दूंगा, बात समझना, एक महीने में दे दूंगा, तो करंट लाइबिलिटी कितने टाइम तक होता है, मैंने आपको एक ईयर तक, तो जब एक साल में पैसा पे करोगे तो करंट लाइबिलिटी, और एक साल से ज्यादा मैंने किसी से बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लिया पांच साल के लिए, तो एक साल से ज्यादा हो गया ना, तो कौन सी लाइबिलिटी बन जाएगी, वो नॉन करंट लाइबिलिटी। लोन लिया मतलब हमें वो पैसा उन्हें वापस देना है, तो मेरी क्या लाइबिलिटी है, और नॉन करंट लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमने उन्हें पांच साल बाद पैसे देने हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या बताया, कि जो लाइबिलिटी आपकी एक साल से ज्यादा चलेगी, अगर एक साल के लिए है तो करंट, और एक साल से ज्यादा है तो नॉन करंट। और साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेते हो, बहुत सारी चीजें करते हो बिजनेस में, तो बिजनेस में आप यही मान के चलते हो कि बिजनेस आपका लंबे पीरियड तक कंटिन्यू करेगा, बिजनेस आपका आप शॉर्ट टाइम के लिए नहीं कर रहे, बिजनेस आप लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हो। तो पहला हमारा कंसेप्ट यही कहता है, गोइंग कंसेप्ट, कि बिजनेस इज टू बी अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू एंड बिजनेस विल रन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट आपकी अजम्पशन है वो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी मतलब देखो, कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई चेंजेस ना हो, तो यहाँ पे कंसिस्टेंस कंसेप्ट का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी आप अकाउंटिंग रूल, जो भी आप अकाउंटिंग रेगुलेशन, जो भी अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त, मतलब जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे ना, अभी तक आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया तो आपको आगे आके देखना कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं अकाउंट्स में, तो जो भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अकाउंट्स में वो जिन भी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, जिन भी रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस है, वो कंसिस्टेंट रहे। वो ये नहीं हो कि आपने इस साल तो इस रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लिया, दो साल बाद आपने रूल चेंज कर दिए, फिर उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लिया, फिर अगले साल फिर आपने रूल चेंज कर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपका कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स आर नॉट वैलिड, है ना, कि जब आप एक अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट से कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 2012 की, 2013, 2014, तीन साल है मेरे, यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करे कुछ और मेरा एक लाख का प्रॉफिट आया, यहाँ पे मैंने क्या करा, रूल चेंज कर दिए, जो भी मेरे अकाउंटिंग रूल थे, अकाउंटिंग रेगुलेशंस थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, चेंज करके तब रिकॉर्ड करा, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्क्लोज हुआ 1,20,000, यहाँ पे मैंने डिस्क्लोज किया, फिर चेंज कर दिया, यहाँ पे फिर 80,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने हर एक साल में, हर एक ईयर में आपने क्या किया, आपने रूल रेगुलेशन जो आपने प्रिंसिपल दे अकाउंटिंग के वो चेंज कर दिए, तो उससे क्या होगा, आप अगर कंपैरिजन करोगे एक ईयर को दूसरे ईयर से, वो कंपैरिजन इफेक्टिव नहीं होगा, वो कंपैरिजन वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस भी साल में, जो 2013 था, आपने उसमें दूसरे रूल चेंज कर दिए, जब आपने दूसरे रूल, दूसरे प्रिंसिपल चेंज करे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट या आपकी जो पोजीशन है वो सही पता नहीं लग पाएगी। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो हर साल में सेम रहने चाहिए। अब देखो, इसमें आपको दो चीज और समझ लो, ये फाइनल अकाउंट है आपके ना, ये पूरा चैप्टर आएगा आगे इसका, फाइनल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का पूरा चैप्टर है, वो आपका फाइनल टर्म में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें देखो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, कि आपको एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाता है, तो आप बताओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को, तो वो क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम इस तरह आपकी जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की पोजीशन है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। अगर कोई पूछे एसेट्स लायबिलिटी पोजीशन के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये हम हर एक कंपनी एवरी ईयर बनाती है, एवरी कंपनी हैव टू प्रिपेयर, एवरी बिजनेसमैन हैव टू प्रिपेयर दीज पर्टिकुलर अकाउंट एवरी ईयर, हर किसी को ये
बनाने ही पड़ते हैं, है ना। ये बनते कब है याद रखना, मैंने आपको दो ईयर बताए थे, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब चलता है हमारा, फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये दोनों अकाउंट 31 मार्च को बनते हैं, फास्ट समझ में। दोनों अकाउंट कब बनते हैं, 31 मार्च को ये बनता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए करता है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए कि आपकी पोजीशन कैसी है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। अब ये हर साल बनाने हैं, और हर साल बनाने के लिए हमें, अगर हमने सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करें तो कंपैरिजन करना हमारा हो जाएगा इजी। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलग अलग यूज करे हैं, किसी साल कुछ और प्रिंसिपल यूज करा, अगले साल कोई और प्रिंसिपल यूज करा, तो उससे क्या होगा, इन दोनों अकाउंट को हम कंपेयर करना, मतलब आपने इन दोनों अकाउंट जो बनाए इनको कंपेयर करना एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे ईयर से, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। पर साथ साथ इन्होंने ये बताया कि अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज करना चाह रहे हैं और उससे प्रॉफिट का डिस्क्लोजमेंट, प्रॉफिट का डिस्क्लोजर बेटर होगा कि आप ज्यादा प्रॉफिट सही तरीके से आप डिस्क्लोज कर सकते हो, प्रॉफिट के पोजीशन सही तरीके से दिखा सकते हो, तो आपको अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज कर देने चाहिए। ये भी नहीं है, बट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होनी चाहिए कि आप ईयर टू ईयर उसको चेंज करते रहे। ये आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है, दैट द प्रिंसिपल शुड रिमेन चेंज इन एवरी ईयर, इट शुड नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। थैंक यू।